मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं टेंडोफिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और सर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन सर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे, हम यहाँ पे आए तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बजे रहे। और आप सिचुएशन देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े हैं। यहाँ पे 5,000+ स्टूडेंट है, देख सकते कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5,000+ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पे होगी और हम लोग को पास करेगी, बॉर्डर पास करेगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। उनको कितना भी बोलो गिर रहा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सारी हम लोग फंसे हुए। यहाँ पे जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है हमसे। क्या करें, लाचार सब न्यूज़ लाचार बने।